आज हमारे पास Realme C65 5G फोन किस प्राइस सेगमेंट का एंट्री लेवल फोन होने वाला है, क्योंकि यह फोन 10,000 के अंदर आने वाला 5G फोन है। इसमें 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा है, 5000 एमएच की बैटरी होने वाला है, क्योंकि Dimensity 6300 का 5G चिपेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। तो इस बॉक्स को मैं अनबॉक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं हूँ आपका भाई विकास साहू, आपको हमारे चैनल टेक ब्लस गैन में स्वागत है। ये रहा फोन हमारा C55, हमारे पास है 628। तो अभी हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं, मेरा पहला इंप्रेशन है। तो बॉक्स को ओपन करोगे तो इसके अंदर हम लोग मिलता है क्यूब गाइड पेपर, ये हमारे पास है ग्लोइंग ब्लैक और सच में आप देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा फोन स्टार्ट हो गया, जल्दी से हम लोग इसका सेटअप कर लेते हैं। डिस्प्ले इसमें आप लोग को 6.67 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। बाकी पीछे के लुक वाइज में बात करें तो काफी अच्छा बेहतरीन लुक देखने को मिलता है। आप देखिए कैमरा भी रियलमी में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, और भाई 10,000 के अंदर में काफ़ी अच्छा लुक वाइज डिज़ाइन में फ़ोन लॉन्च किया है। आपको दो कलर देखने मिलता है, एक है ग्लोइंग ब्लैक और दूसरा है फेदर ग्रीन। ये दो कलर आप लोग को रियलमी C55 5G फ़ोन में देखने को मिलता है। बाकी दोनों को कलर लुक वाइज में काफ़ी अच्छा है। ग्रीन कलर में आप लोगों को कुछ अलग से लुक देखने को मिलता है जो लाइट में चमकता है। ग्लोइंग ब्लैक में आप लोग को सिंपल दिखता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। बाकी वेट की बात करूँ तो ये आपको लगभग 1.92 ग्राम आपको इसका वेट है, काफ़ी लाइट वेट है। बाकी आप लोग को पीछे साइड प्लास्टिक बॉडी देखने मिलता है, बहुत ज़्यादा सीमेंट पतला है। इसमें आप लोगों को टाइप सी केबल देखने को मिलता है, इसमें आप लोगों को सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आपको 3.5mm का जैक है। हाँ भाई, 3.5mm का जैक है इसमें। बाकी इस साइड आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, वॉल्यूम अप डाउन देखने को मिलता है, ऊपर साइड आप लोगों को हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड या तो दो सिम लगा सकते हो। फ्रंट साइड आप लोग को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो भाई काफ़ी अच्छा है, अभी के फ़ोन में पंच होल दे रहा है, तो आपको जो सामने का कैमरा के लुक आपको फ्रंट का काफ़ी अच्छा देखने। स्पीकर को टेस्ट करते हैं पहले, तो स्पीकर लाउड है, देखो लाउड है। अंदर प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 6300 6nm चिप 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि इसका अंतु स्कोर 4 लाख प्लस निकल के आता है। तो इसमें आप आराम से मिड रेंज में आप लोग इसमें BGMI गेमिंग खेल सकते हो, लगभग आप 60 FPS पर आप यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हो। इसमें LDDR रैम 4X रैम लगा है, जो कि काफ़ी अच्छा रैम है, इसमें आपको बूस्टिंग स्पीड अच्छा मिलने वाला है। इसमें आप लोग को 3 वेरिएंट में ये फ़ोन आता है, एक तो आपको 4/64, 4/128 GB और 6/128 GB आता है। तो ये फोन आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड या गिफ्ट देने के लिए काफी अच्छा फोन होने वाला है। बात करते हैं बैटरी, तो इसमें आप लोग 5000 एमएच की बैटरी देखने मिलता है, और इसको और चार्ज करने के लिए आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। 5000 है तो आराम से आपका एक दिन से दो डेढ़ दिन तक आपका चल जाएगा। बाकी आपको इसको चार्ज करने के लिए फुल चार्ज होने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। बाकी आप लोग को सेटिंग में आना है, यहाँ आना है आपको रियलमी लैब में मेनू कैप्सूल में जाना है, और यहाँ से आपका ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपका जो भी मैसेज आप या चार्जिंग में लगाओगे तो आपको इस प्रकार से डायनेमिक आपको डिस्प्ले शो होगा, तो ये जैसा प्रीमियम आईफोन की तरह लुक वाइज में लगता है। चलिए कैमरा सेटअप बात करें तो इसमें आप लोग को नाइट मोड देखने को मिल जाता है, आपको एक स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आप लोग स्नैपशॉट फोटो खींच सकते हो। बाकी इसमें आपको वीडियो में बात करूँ तो आपको 1080p आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट साइड भी सेम आप लोग इसमें 1080p आपको 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फोटो में भी आप लोग अच्छा खासा इसमें है, पोर्ट्रेट मोड है, मोर है, इसमें आप लोग को प्रो है, पैनो है,
फिल्म है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, डुअल वीडियो। हाँ, इस रियलमी के अभी ये फीचर अच्छा खासा आ रहा है, आपको डुअल वीडियो को सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, देखो फ्रंट और बैक मेरा दोनों से चालू है, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर क्लिक करके इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखो मेरा एक गोल में आ गया, अब मैं इसको करूँगा डब्बा में आ गया। अब चाहो तो इसको आप पलट भी सकते हो, जैसे इसको बड़ा कर सकते हो, बैकग्राउंड को अप कर सकते हो, वो सारा चीज़ इसमें। तो डुअल मोड आपको डुअल व्यू वीडियो मोड दिखता है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। कैमरा सेटअप तो आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड आप लोग को 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं Realme C65 से बैक से शूट कर रहा हूँ 50 मेगापिक्सल में, इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अभी मैं Realme C65 से मैं अभी फ्रंट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो ऑल ओवर में Realme C65 5G के अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे आपको फ़ोन निकल के आ जाता है। ये एंट्री लेवल का फ़ोन है, तो इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा लो बजट में 5G फोन लॉन्च किया है। और भाई देख सकते हो सारा चीज़ आप लोग को अच्छा देखने को मिल जाता है इसमें। हाँ, बाकी कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा आपको डिसेंट देखने को मिलता है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा खासा आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था Realme C65 5G का फुल रिव्यू वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी क्वेरीज रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह का वीडियो जल्दी से जल्दी देखने के लिए। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो ये फोन आपको करन मोबाइल में मिल जाएगा, जहां आप लोग को सही दाम पर ये फोन मिलने वाला है। गाइस हम लोग करन मोबाइल के बारे में बहुत ज्यादा सुने हैं, जो कि बिलासपुर राजू प्लाजा में है, तो इस बारे में बताइए कि क्या क्या यहाँ अवेलेबल है। मैं करन मूलचंदानी करन मोबाइल का ऑनर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ आपको कोई भी मॉडल लॉन्च होता है ना, उससे पहले हमारे पास इसके डेमो आ जाते हैं। लॉन्च होने से पहले हमारे पास डेमो आ गया था। वीवो का ये Y200e है या ये Realme का 12 Pro Plus है। Vivo के ऑथराइज डीलर हैं अपन, Apple का ऑथराइज डीलर हैं, Realme का ऑथराइज डीलर हैं, Samsung का, OnePlus का, iPad, Nothing, जो भी आप लेटेस्ट फ़ोन चाहें वो सब हमारे यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। JBL के एसेसरीज जैसे हैं, JBL में भी डील करते हैं, आपका स्मार्ट वॉच हो गया, नेकबैंड हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, सारी चीज़ें आपको मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। देखिए जैसे आपको कांटेक्ट करना होगा दुकान से, तो आप कैसे कर सकते हैं? हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारी शॉप है राजीव प्लाजा में, EG34, जिला हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट में है, मेन रोड के पास। और गूगल में भी अगर आप करण मोबाइल सर्च करेंगे तो आपको हमारा नाम मिल जाएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक में भी हमारे पेजेस बने हुए, आप सब वहाँ पर हमारा रिव्यू देख सकते हैं। हमारे प्राइस रेंज के अंदर ये एंट्री लेवल फ़ोन है, बजट फ़ोन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग को बैटरी अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, जो कि हमारा आराम से हम गेमिंग खेल लेंगे। कैमरा क्वालिटी हम लोग को अच्छा मिलता है, 50 मेगापिक्सल मिलता है, फ्रंट साइड 8 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अच्छा खासा आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो पर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।